entertaining film. All the characters really played their part well, and it is a must watch film. The best part kya hai film ki, main news pe kya bol sakte hain? It is the part where they realize that ghar sirf deewar nahi hai but family se banta hai. So the moral of the story is that. Sabin ka kaam wagaira film mein kaisa hai? Bahut badhiya hai. Sab characters ne bahut hi acche se apna part play kiya. Logon ko pasand aayi film dekhne ke liye? Yes, yes, sure. Lakshman Utte sir ji ka direction kaisa laga jiski unki film mein entertaining sabit hui iske pehle ki? काफ़ी एंटरटेनमेंट है, रोमांस, म्यूजिक, कॉमेडी सब कुछ ही है ये फिल्म. अगर 5 स्टार पूछो तो कितने देंगे आप? 4/5. It's a very nice movie. It was fun to watch with. It's nice to watch with the family. After a long time, like you sit and you can like not really laugh. What do you enjoy the most while watching it? I think Vicky Kaushal has acted really well, and he's showing it off like the way it should be. And it was really fun watching. What you can say about the performance of whole cast? Oh, actually they have picked up really good artists, huh? Because all of them were really nice and they did it so well. So at any point in time we didn't feel that we are watching a movie. It was like so real. And is there a particular scene which you love the most while watching it? Particular scene? Yeah, the chemistry between Vicky Kaushal and Sara Ali Khan was really nice. So it was fun to watch them together and all the romance and the parting. Okay, अभी main question की बात करते हैं. उनका divorce होता क्यों है? Divorce होता क्यों है? बोल सकते हैं क्या? No problem. What's the score out of 5? It was 4.5. 5 is also good. हार्ट के बच के ये बात नहीं है ऐसी कोई. अच्छी है, इमोशंस और कॉमेडी का वो कॉम्बिनेशन है. घर और मकान में क्या फ़र्क होता है वो है. जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे एडजस्टमेंट होता है उसके लिए एक संदेश है. सब्जेक्ट कोई नया नहीं है, लेकिन क्या होता है कि नए ढंग से पेश किया गया उससे कॉमेडी, फिर उसमें सीरियसनेस. अच्छा कॉम्बिनेशन, वेरी गुड. काम वगैरह कैसे? काम अच्छा है, सारा काम बहुत बढ़िया है. विकी का भी अच्छा है. बाकी जो करेक्टर थे सबने अपना अपना रोल बड़ी अच्छी तरह से निभाया. अगर फिल्म की बेस्ट पार्ट पूछूं, फिल्म की बेस्ट यूएस में मेन यूएस में पूछूं तो क्या है? यूएसपी का तो देखिए, इट्स ए फैमिली इंटरटेनर है और एक संदेश है. मज़ा आएगा, पब्लिक को बहुत अच्छी लगेगी. घर की समस्याओं को लेकर फिल्में पहले बहुत बनी हैं. घर ऊंदा आएगा आई थी कि घर की क्या मतलब, वो कि क्या समस्याएं होती हैं. भीम सेन जी के निर्देशन में जॉइंट फैमिली में भी पिक्चर है. राजश्री की आई है, पिया का घर, और बहुत घर हो तो ऐसा, तो बहुत सी फिल्में आई हैं इस सब्जेक्ट पे. है बहुत दिनों बाद एक उसी फार्मूले में पिक्चर आई है, चलेगी. लक्ष्मण उटे सर जी की डायरेक्शन वगैरह कैसी फिल्म में, जिस तरीके से एंटरटेनिंग आप उनकी फिल्म में साबित हुई लोगों के लिए? नहीं, अच्छा डायरेक्शन, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है. लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखकर? बिल्कुल पसंद आई. अगर 5 में से आपकी रेटिंग पूछो तो आप अपनी रेटिंग के लिए हमेशा फेमस माने जाते हैं, तो 3-3.5 हो जाएगा. मनोरंजन है ना. बहुत बहुत शुक्रिया. फिल्म बहुत ही उम्दा है, फिल्म बहुत ही शानदार है. जो डायवर्स जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही बाखूबी पर्दे पर निभाया है सारा अली खान और विकी कौशल ने. फिल्म में कई ऐसे सीन है जहां आपको इमोशनली टच करते हैं. फिल्म की कहानी कितनी रिलेटेबल है वो उसके बारे में बताएं. फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूं तो जो हिंदुस्तान में कॉमन मैन का जो घर होता है, जो मिडिल क्लास का फैमिली है, वो इसी तरह से यहाँ पर लाइफ जीती है. हर कॉमन मैन कहीं ना कहीं इस फिल्म से रिलेट करेगा. जो खासकर शादीशुदा जोड़ा है, जो हस्बैंड वाइफ है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस फिल्म में देखना चाहेंगे. और मैं चाहता हूँ जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं डाइवोर्स के, अगर वो लोग यहाँ पर आके इस फिल्म को देखेंगे, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका इरादा जो डाइवोर्स का है वो बदल जाएगा. क्योंकि हर रिश्ते में नोकझोंक होती है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है. अगर कोई ये समझता है कि डाइवोर्स लेकर उसकी आगे की ज़िंदगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ये तो पूरी तरह से गलत है. इंसान का जीवन ही नहीं है जहाँ पे उतार चढ़ाव ना हो, तकलीफ ना हो. तकलीफ के बाद ही जो आनंद का मज़ा है उसके असली मज़ा
मजा तभी आता है। सारा अली खान विकी कौशल की केमिस्ट्री काम वगैरह कैसे लग रहा है? मैं एक बात आपको यहाँ बताऊंगा कि कटरीना की कैफ और विकी कौशल की मालूम है, सुनो तो सही। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बाद ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, लेकिन फिल्म में ज़रा हट के ज़रा बच के सारा अली खान और विकी कौशल जो उम्दा तरीके से मियाँ बीवी का जो किरदार निभाया उन्होंने, जो नोक झोंक दिखाई है, जो लाउड सीन दिखाए, बहुत ही कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ऑडियंस एंजॉय कर रही थी। जिस तरीके से देखा गया है कि लक्ष्मण और सर जी की फिल्में इंटरटेनिंग साबित हुई, लपा चुकी हो या फिर उसके बारे में उनकी जो भी फिल्में निकली हो, तो ये कितनी इंटरटेनिंग के फैक्टर में आगे है या फिर कितनी हटके, उसके बारे में आपका क्या राय है? विद्या बालन ने कहा था फिल्म की सक्सेस का फॉर्मूला है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, यही चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। अगर आपको पूरी तरह से एंटरटेन होना है तो मैं कहूँगा इस फिल्म को आके ज़रूर ज़रूर देखें। आपके 3 घंटे किस तरह से पास होंगे, आपको यहाँ पे पूरी तरह से हर इमोशन का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। अगर 5 में से अगर स्टार पूछूं फिल्म के लिए, कितने स्टार आपकी तरफ से इस फिल्म को? 5 में से मैं 4 स्टार फिल्म को देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।